नमस्कार दर्शकों स्वागत है आप सभी का सी आई टी एनसीआर के लाइव फोन इन कार्यक्रम में मैं कृति वढ़ेरा जुड़ चुकी हूं आप सभी के साथ और आप हमें देख रहे हैं पीएमई विद्या के चैनल नंबर पांच पर कक्षा पाँच के बच्चों के लिए सत्र रहेगा आपकी हिंदी की जो पुस्तक है उसमें से एक पाठ है जिसका नाम है डाकी की कहानी उस पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है मैं आप सभी से परिचय कराना चाहूंगी डॉक्टर अमित जी का आप राजधानी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार आप आए हैं आज स्टूडियो में और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे अमित जी के साथ उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के लिए अगर इस सत्र के बीच में आपके मन में कुछ सुझाव हो कुछ सवाल हो तो हमसे जरूर साझा करें हमारा टोल फ्री नंबर डायल करके हमें बताएं नंबर रहेगा आठ आठ शून्य शून्य चार चार शून्य पाँच पाँच नौ और स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पर भी आप अपने सभी सुझाव और सवाल हमें भेज सकते हैं इस कार्यक्रम की स्ट्रीमिंग आप देख रहे हैं एन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और वहाँ भी लाइव चैट बॉक्स में आप अपने सभी सुझाव और सवाल हमसे साझा कर सकते हैं हम पूरा प्रयत्न करेंगे आपके भेजे गए सभी सवाल लें और आज अपने एक्सपर्ट के साथ उनको यहाँ चर्चा में शामिल करें और मुझे यह बताते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि भारत जी ट्वेंटी लीडर समिट की अध्यक्षता कर रहा है 2023 में जो कि सर्वप्रथम बार हो रहा है इस देश में और भारत देश पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हर भारतीय के मन में एक सद्भावना हमेशा से एक अच्छा भाव रहा है जिसको अतिथि देवो भव या फिर वासुदेव कुटुंबगम सारा संसार हमारा परिवार इस के एक भाव के साथ आज जो हम लीड कर रहे हैं जी ट्वेंटी लीडर सम्मििट को तो मुझे यकीन है कि भारत यकीनन विश्व पटल पर अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए ज़रूर सक्षम होगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस बातचीत को पुनः स्वागत करूंगी आपका डॉक्टर अमित जी डाकिया की कहानी क्या खास है आज के इस पाठ में हमारे पांचवी कक्षा के सभी बच्चों के लिए आ, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया है कि डाके की कहानी तो इसे हम डाके की कहानी कह सकते हैं लेकिन जो इसकी विधा है वो साक्षात्कार है वार्ता या जिसको आप इंटरव्यू कहते हैं जी ये प्रतिमा शर्मा द्वारा लिया गया एक डाके का इंटरव्यू है एक वार्ता है जिसमें जानने का प्रयास किया गया है कि एक डाके का जीवन कैसा होता है और इसमें डाके का नाम भी दिया गया है कवर सिंह इनका नाम है इनके जीवन में क्या घटनाएं घटी इनका जीवन कैसा रहा और डाके का काम करते हुए इनके अनुभव किस प्रकार के रहे इस पूरे अध्याय में इन बातों पर चर्चा की जाएगी जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि डाकिया वैसे डाके शब्द से आप परिचित हैं ना डाकिया जिसे आप अंग्रेजी में पोस्टमैन कहते हैं जी हाँ वही पोस्टमैन ये डाकिया क्या काम करता है ये डाकिया चिट्ठी पत्र लिफाफे मनी ऑर्डर पोस्ट कार्ड आपके घर तक पहुंचाता है ये एक भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला विभाग है जो पूरे विश्व में एक सबसे बड़ा विभाग के रूप में आप इसे देख सकते हैं जो भारत में चलता है डाकि लोगों तक ना सिर्फ चिट्ठी पत्र पहुंचाते हैं ये उन तक संवेदनाएं भावनाएं भी पहुंचाते हैं तो अब हम चर्चा करते हैं आगे बढ़ते हैं मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं कि साक्षात्कार होता क्या है साक्षात्कार में दो लोगों को होना अनिवार्य है हैं। एक जो साक्षात्कार लेता है दूसरा जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है हमारे अध्याय में प्रतिमा शर्मा साक्षात्कार ले रही हैं कंवर सिंह का और कंवर सिंह अपने जीवन की आ, कुछ घटनाओं को अपने जीवन की कुछ जो उन्होंने जीवन में उपलब्धियां प्राप्त की है उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं इस प्रकार यह बातचीत आगे बढ़ती है और एक साक्षात्कार विधा का रूप ले लेती है तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अध्याय में यह साक्षात्कार किस प्रकार लिया गया है जी। पहला प्रश्न है जो प्रतिमा शर्मा ने पूछा है कंवर सिंह कंवर सिंह जी से कि आपका शुभ नाम क्या है इस पर कंवर सिंह जवाब देते हैं मेरा नाम कंवर सिंह है मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूं मेरी उम्र पैंतालीस साल है आपके परिवार में कौन कौन है उनके बारे में कुछ बताइए मेरे चार बच्चे हैं तीन लड़कियां और एक लड़का दो लड़कियों की शादी हो चुकी है मेरा एक और बेटा भी था वह मेरे गाँव में एक पहाड़ी से लकड़ी लाते हुए गिर गया उसकी मौत हो गई आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती रहती हैं जी ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है यहाँ हर साल तिरछे ढलानों या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों में से चलना पड़ता है क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते नहीं हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि डाकिया जो पत्र लेकर आपके घर द्वार तक आता है आपके शहरों में जहां आप रहते हैं मैदानी इलाकों में यहां तक आपके घर तक पहुंचना काफ़ी आसान है आप इन डाकियों से कम परिचित हैं कारण ये है कि आप एक आधुनिक युग में जी रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट ने उन चिट्ठियों का एक आ, सार ले लिया है एक उनकी जगह ले ली है आज ईमेल है व्हाट्सएप है जिसके जरिए आप अपनी आ, आ, जो आपकी सूचनाएं है होते हैं उनका आदान प्रदान करते हैं लेकिन पहले के समय में सिर्फ ये चिट्ठी और पत्र थे जिनके माध्यम से आप बातचीत कर लिया करते थे या आप किसी को सूचना दे दिया करते थे ऐसे में इन डाकियों का महत्व तो और अधिक बढ़ जाया करता था आज भी डाकिए आते हैं चिट्ठी और पत्र लेकर आते हैं तो आजकल कुछ लोग कुछ डाकिए ऐसे भी हैं जो इंटरव्यू की कुछ जॉब सेटर लेकर आते हैं आपके पास जिन्हें देख के आप खुश होते हैं ऐसे में खुश होने पे आप डाकियों को उपहार स्वरूप भी कुछ देते हैं ठीक लेकिन आज के जो आधुनिक बच्चे हैं जो शहरों में जी रहे हैं जी। इनका आज भी डाकियों से कोई खास जान पहचान नहीं, नहीं है। पर पहले ये अमित जी हुआ करता था जिस परिवेश में हम आप सब पहले बड़े आज की जनरेशन के लिए भले ही ना हो तो ये जैसे आपने बहुत छोटी सी बात कही पर वो हम सबके जीवन से जुड़ी थी कि भले ही कोई त्यौहार हो कुछ हो तो आ, आपके उन त्योहारों में सम्मिलित तो वो डाकिए भी थे जो आपके यहाँ पे चिट्ठी कार्ड पोस्ट कार्ड लेकर आते थे तो ये भले ही हम शहरों में पले बड़े पर ये सब हमें देखने को मिला है जी आज वो जरूर आधुनिकता का रूप ले चुका है जी सिर्फ त्योहारों तक नहीं यहाँ आप देखिए कि जो मानवीय संवेदना है वो भी लोगों तक पहुंचती थी अक्सर क्या होता था कि गांव देहात के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे जी ऐसे में जब डाकिया आता था तो वो डाकिया से ही अः मदद के लिए कहते थे कि आप ये चिट्ठी पढ़ दीजिए डाकिया वो चिट्ठी पढ़ भी दिया करता था और कुछ लोगों के आग्रह पे कभी कभी चिट्ठी लिख भी दिया करता था ऐसे में अगर कोई खुशी का पल होता था तो वह डाकिया भी खुश हो जाया करता था और कर चिट्ठी में कोई गम की बात होती थी कभी कभी डाकिया की आंखें भी नम हो जाया करती थी जी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि चिट्ठी पढ़ने के बाद कोई दुखी खबर होती थी सामने वाला रो पड़ता था और डाकिया उसके कंधे पे हाथ रख के बोल देता था घबराइए मत सब ठीक हो जाएगा जी। खुशी के माहौल में डाकिया कह देता था अरे इस पर तो मिठाई बनती है तो क्यों ना मिठाई बांटी जाए और मैं भी मिठाई खाऊंगा तो वहाँ मिठाई भी बांटी जाती थी ऐसे में वहां सिर्फ आप तक सूचना पहुंचाने का काम नहीं करता, नहीं करता था, था। जी। वो हिस्सा था आपके उस खुशी का उस गम का वो जुड़ता था तो वहां पर डाकी के, के भीतर की जो संवेदनाएं थी मानवीय संवेदनाएं थी और जो चिट्ठी पढ़ने वाले या जिसको चिट्ठी पहुंची है जिसको सुनाई है उसने पढ़कर या जो चिट्ठी लिखवा रहा है उसकी संवेदनाएं और डाकिया की संवेदना, जब मिलती थी, तो एक संवेदना जो उत्पन्न होती थी और जो भावनाएं उत्पन्न होती थी वो भावनाएं आज के समय में आप नहीं देख सकते आप फेसबुक से या व्हाट्सअप से उस तरह की उम्मीद नहीं कर सकते कि आपके दुख में शरीक होगा या आपकी खुशियों में वह भी खुश होगा तो डाकिया सिर्फ एक सूचना देने वाला व्यक्ति ना होकर लोगों के पास संवेदनाएं पहुंचाने वाला व्यक्ति था जो उन्हें सुख और दुख की सूचनाएं प्रदान करता था, करता था। और यही इस साक्षात्कार में भी आगे वो कहते भी हैं कि अभी वो चर्चा आएगी कि हमारे यहाँ पे डाकिया का काफी मान है जी तो वो मान सम्मान का कारण यही है कि वह व्यक्ति उनसे जुड़कर चलता है आत्मीयता से, से, जु, से जुड़ा है और वह उन्हें अपना लगता है क्यों क्योंकि वह उनके बच्चे की उनके पिता की उनकी माता की खबरें उन तक पहुंचाता पहुंचा है जी। आ, अगला प्रश्न के साथ हम आगे बढ़ते हैं जी अब ये कहते हैं फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे मेरे गांव के स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल लगभग पांच किलोमीटर दूर है मेरी एक लड़की दसवीं तक पढ़ी है दूसरी बारहवीं तक तीसरी लड़की बारहवीं कक्षा में पढ़ रही है मेरा बेटा दसवीं कक्षा में है अब आप देखेंगे कि जो स्कूल जी अब इन्होंने चर्चा पहले ही कर दी है कि ये पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं हिमाचल में रहते हैं अब जो पहाड़ी क्षेत्रों का जीवन है आ, ये मुझे इस पर बोलने का मौका मिल रहा है इतफाक है कि मैं कुछ साल तक पहाड़ी क्षेत्र में रहकर आया हूँ तो मैं उन लोगों की समस्याओं से अवगत रहा हूँ हमेशा बताते रहे कि उन्होंने जब वो स्कूल जाया करते थे किस किस प्रकार की उन्होंने समस्याओं का सामना किया जी। तो आप देखेंगे कि पहाड़ों में जो मौसम होता है बड़ी तेजी से करोड़ बदल लेता है जी। पता ही नहीं चलता कि अभी धूप खिली है और थोड़ी ही देर में बरसात होना शुरू हो जाएगी जी। रास्ते भी काफी सक्रिय होते हैं और कीचड़ भरे होते हैं वहां फिसलन हो जाया करती है अभी अभी आपने अध्याय में देखा कंवर सिंह ने बताया कि उनका एक बेटा पहाड़ी से फिसल कर गुजर गया मर गया ऐसे में वह बच्चे जब स्कूल के लिए रवाना होते थे कभी बरसात हो जाती थी कभी वह तेज धूप से गुजर रहे होते थे साथ साथ चलते थे पहाड़ों में बाघ तो नहीं होते शेर भी नहीं होते लेकिन तेंदुए का हमेशा एक भय बना रहता है वह कभी भी पहाड़ी क्षेत्रों में हमलावर के रूप में आता है है। और लोगों को नुकसान पहुंचा देता है। ऐसी स्थिति मैडम अगर आज आपको कोई कहे कि इस कमरे से आपको बाहर जाना है और आपकी जान को खतरा है तो बहुत मुश्किल है आपका कि आप इस कमरे को छोड़कर निकले बिल्कुल लेकिन ऐसा माहौल जहां पर बरसात में फिसलकर मरने के बहुत संभावना, अधिक हमेशा संभावना ही बनी हमेशा बनी है। रहती है जहाँ बाघ है तेंदुआ है पहाड़ी पहाड़ों से कभी भी भूस्खलन हो सकता है जी। ऐसी स्थिति में इन बच्चों की आप जीवटता देखिए कि ये कैसे रोज तैयार होते हैं स्कूल जाते हैं और वहाँ से लौटकर आते हैं और ऐसा मौसम जहाँ पर हमेशा सर्दी बनी रहती है बनी रहती है वहाँ ये स्वेटर पहनकर और जल्दी से उठकर भागकर अपने स्कूल जाते हैं और जब वो घर स्कूल के से लौटकर आ रहे होते हैं तब तक धीरे धीरे शाम होनी शुरू हो जाता है मिलो चलना भी पड़ता है अपने घर से स्कूल तक जाने के लिए और हम तो शहरों में हैं हमें तो बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध स्कूल जो है पहाड़ों के वो यहाँ तो पांच किलोमीटर की चर्चा है स्कूल, कुछ कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों को दस दस बारह बारह किलोमीटर चलना होता है और आज के आप किसी बच्चे को जो मैदानी इलाके में रहते हैं उनसे कहिए है कि आप जिस वैन या बस से स्कूल जाते हैं किस दिन आपको पैदल जाना होगा चाहे वो स्कूल दो किलोमीटर क्यों ना दूर हो सबके लिए चलना संभव नहीं है ऐसे में ये बच्चे ऐसी स्थिति में बच्चे ये स्कूल जाते हैं पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं बिल्कुल जी। अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं आगे प्रतिमा शर्मा का जो अगला प्रश्न है आप जहां काम करते हैं वहां आपके अलावा और कौन कौन है क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं तो ये बताते हैं मैं पहले भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था अब मैं पैकर बन गया हूं पर हूं वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक अभी बता रहे हैं कि पहले एक ग्रामीण डाक सेवक थे इन्हें गांव गांव जाकर डाक देनी होती थी लेकिन अब ये पैकर हो गए हैं जो डाक आती हैं ये उसे बस से उतारते हैं उतारने के बाद उन्हें अलग करते हैं एक इससे पहले वाले अध्याय में भी इसकी चर्चा हो चुकी है कि इन चिट्ठियों को इनके कोड के हिसाब से अलग किया जाता है और अलग करने के बाद इनको पैक किया जाता है ताकि डाकिया आए उनको ले चले जाए।, जाए तो जो चिट्ठी पैक करते हैं वो पैकर होते हैं तो अब इनका अब काम डाक बांटने का ना होकर पैक करने का है और इसके अलावा भी इन्हें कुछ छोटे मोटे काम करने होते हैं जिनके बारे में आगे बताते हैं डाक सेवक को क्या क्या करना होता है मुझे मुझे बहुत कुछ करना होता है चिट्ठियाँ रजिस्ट्री पत्र पार्सल बिल बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव गांव-गांव जाना होता है अब देखिए आधुनिक परिवेश में आधुनिक परिवेश का मतलब जिस शहरी परिवेश में हम जी रहे हैं जी यहाँ पर पेंशन बैंक में आती है और सीधा आप अपने डेबिट कार्ड से उसे निकाल लेते हैं लगभग सभी के पास फोन है उनके फोन में अलर्ट भी आ जाता है कि आपकी सैलरी आ गई है आ चुकी है ठीक है लेकिन गांव देहात में जहां पे बहुत ही सीमित साधन है वहां पे एक डाक घर कुछ गांव के लिए एक डाक घर घर नियत कर दिया जाता है कि ये आपके क्षेत्र का डाकघर है एक गाँव कुछ पांच किलोमीटर दूरी पर दूसरा गांव एक गाँव में दस से बारह से छ किलोमीटर दूरी पे जो दूसरा गांव है है उसमें उसमें से से घर घर जी आगे कोई बड़ा है, तो उसमें से गर, अब ये डाकिया अपनी चिट्ठिया भी पहुंचाता हैं उन्हीं सकरे रास्तों से होके गुजरता है उसी बरसात में भीगता हुआ जाता है उसी धूप तेज धूप में पहाड़ों पे जब दोपहर दुप, होती है तो सीधी धूप पड़ती है काफी तेज धूप धूप पड़ती है तेज धूप पड़ती है और जैसे ही आप छाओं से गुजरते हैं तो एकदम सीरन पैदा कर देने वाली ठंड होती है जी। और उन कटीले रास्तों से होते हुए वह गांव गांव जाते हैं किसी की पेंशन देते हैं किसी की चिट्ठी देते हैं किसी की डाक पहुंचाते हैं और ऐसे अपना हुआ काम करते हुए आगे बढ़ते हैं जो कि उनके लिए काफी कठिनाई भरा सफर होता है क्यों क्योंकि उन्होंने अपनी उम्र भी बताई कि वो पैंतालीस साल के आसपास की उम्र के हैं ऐसे में उनके लिए ऐसे चलना खड़ी चढ़ाइयों पे चढ़ना उतरना काफ़ी पीड़ादायक हो जाता है मैं इसमें आपका पर्सनल आपको एक अनुभव बताता हूँ मैं रह रहा था पहाड़ों पर ही और मुझे एक ऊंची चोटी पर जाना था वहाँ जाने के लिए मुझे छः से सात किलोमीटर चढ़ना चर, था मैंने जूते पहने और इत्तेफाक से बरसात तेज हुई थी तो मेरे जो जूते थे वो भीग गए लेकिन मैं चढ़ रहा हूँ चढ़ मैं चढ़ तो गया जब मुझे उतरना पड़ा तो जो मेरे जूते थे जो मेरे अंगूठे थे वो मेरे जूते के आगे वाले हिस्से पे लगते रहे क्यों क्योंकि मैं उतर रहा था उतरते वक्त आप ढलान पे उतरते जी, हैं जी। तो आपके अंगूठों पर वो प्रेशर पड़ता है, पढ़ता है। जी। अब मैं जब सात से 8 किलोमीटर नीचे उतर कर आया तो मैंने जूते उतारे तो देखा कि वह जूते में जो मेरे अंगूठे थे वो लाल हो गए शाम तक वे सूज गए थे और दो दिन बाद उनमें इन्फेक्शन हो गया मवाद पड़ गई जी मुझे तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ा और डॉक्टर ने उनकी सर्जरी की और मेरे दोनों नाखून उतारे गए यह मैं एक दिन की घटना बता रहा हूं आपको जी ये केवल एक दिन की घटना थी जहां मैंने सिर्फ सात किलोमीटर का सरफ सफर तय किया था और उसमें मेरे हालात हो गए थे ये डाकियां जो चिट्ठियां पहुंचाते हैं सात किलोमीटर आठ किलोमीटर नौ किलोमीटर एक गांव से रोज दूसरे गांव जिनको मिलो चलना है जिनको मिलो चलना हर रोज चलना है है हर रोज और एक नियमित समय पर उन्हें वह डाक पहुंचानी भी है पहुंचानी भी है क्योंकि उस डाक में कुछ लोगों की पेंशन भी है कुछ लोगों की रजिस्ट्री भी है जिन्हें वह समय से चाहिए तो वहां आप विराम नहीं कर सकते कि आज बरसात हो रही है आज तो रुकना चाहिए क्यों नहीं चिट्ठी में कल देकर आ जाऊं क्यों क्योंकि पहाड़ों पे बरसात होनी शुरू होती है तो तीन दिन चार दिन पांच दिन जी। कम निकल जाए ऐसे में ये बिना मौसम की परवाह किए उन डाक को देने के लिए निकल जाते हैं तो एक कठिनाई भरा सफर ये तो मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने आपका एक्सपीरियंस बताया ये लोग कैसे चलते होंगे इन लोगों को सलाम है कि इतना चलते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं उनके सुख दुख में उनका हिस्सा बनते हैं और अपनी ड्यूटी निभाते हैं तो ये भी इनसे बड़े राष्ट्रभक्त कौन होंगे जो अपने ड्यूटी को समय से निभा रहे हैं और की, की संवेदनाओं का, का, है है, तो का सफर तय करते हैं और मुस्कुराते हुए चिट्ठी पहुंचाते हैं जी ये अपने आप में बहुत हाँ बड़ी बात है और ये चाहते भी है कि अपना जो ये चिट्ठी दे रहे हैं उसे मुस्कुराते हुए दिन के चेहरे पे वह थकान ना दिखाई दे दिखाए क्योंकि उसका फर्क उस चिट्ठी पे भी पड़ता है जो उसको चिट्ठी ले रहा है उसको भी पड़ता है बिल्कुल जी अगला प्रश्न जो प्रतिमा शर्मा ने किया है कवर सिंह से सिं, वो है क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने में बहुत से नए तरीके आ गए हैं शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं जैसे फोन मोबाइल ईमेल वगैरह लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है इसकी चर्चा भी हम आपसे पहले कर ही चुके हैं जी। कि हमारे पास तो साधन है लेकिन इन लोगों के पास साधन नहीं है ये अपना डाक पर ही निर्भर करते हैं इसलिए गांव में लोग डाके का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाके का इंतजार भी करते हैं मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो जैसे ही हमारी गली में डाकिया घुसता था तो हम भाग कर जाते थे और अपने घर का एड्रेस बताते थे कि हमारी कोई चिट्ठी आई है जी और वो कहता था रहे मैं घर जा रहा हूँ दे दूंगा रास्ते में आएगा तो मैं बोलता नहीं नहीं हमारा ये एड्रेस है आप बताइए हमारी कोई चिट्ठी आई ये है नहीं है और डाकि पता नहीं कितने डाकि बदले उस दौरान चार से पाँच साल की उम्र में लेकिन उन डाकियों से जब जब बच्चों ने जिक्र किया या उनसे ज़िद की तो उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा और साथ साथ डाक खोलकर बताई कि नहीं भाई तुम्हारे यहां का कोई चिट्ठी या लेटर नहीं है या फिर हाँ तुम्हारे यहां का आया है चलो मैं तुम्हारे घर देता हूं मेरे साथ चलो तो ये इनके काम का हिस्सा है जी अगला प्रश्न है हमने सुना है हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है यह भला कैसे तो इस पर कंवर जी कहते हैं सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी केवल पाँच रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं पोस्ट कार्ड तो केवल पचास पैसे का ही है यानी पचास पैसे में हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते, भेश सकते हैं।, हैं अब इस पर चर्चा हम पहले ही इससे पहले जो चिट्ठी का सफर नाम से एक अध्याय था उसमें हम कर चुके थे कि हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं वहाँ से पोस्ट कार्ड या डाक लेते हैं या लिफाफा लेते हैं और उनकी एक निर्धारित कीमत होती है और निर्धारित कीमत के अनुसार ही उसकी दूरी के अनुसार उस पर एक डाक टिकट हम लगाते हैं वह डाक टिकट जो है उसकी कीमत होती है दो रुपये तीन रुपये चार रुपये और मैक्सिमम पांच रुपये की कीमत उसकी होती है जिसके आधार पर वह जो पत्र है वह जो लिफाफा है वह अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच जाता, पहुंच जाता है, जाता है। आ, ये जो अध्याय जब लिखा गया था तब का समय में ये जो आ, कीमत है पांच रुपये देश के किसी भी कोने में वह डाक पहुंच सकती है अब शायद कीमत थोड़ी बढ़ गई हो छः रुपया हो गई हो या सात रुपये हो गई हो उसके बाद भी आज भी डाक सेवा सबसे सस्ती सेवा है कि आप दिल्ली से तमिलनाडु तक अपने किसी लिफाफे को अपने किसी पत्र को कम से कम कीमत में भेज सकते हैं और गांव गांव में देखिए जहां पे आप देखेंगे कि जहां पे कोई पोस्ट ऑफिस नहीं भी है डाकघर नहीं भी है आसपास वहां उन गांव में देहातों में जहां मैंने अभी चर्चा की कि जहां सिर्फ पांच छे घर हैं वहां पर आपको डाक का जो बॉक्स होता है जिसे डाक बॉक्स कहा जाता है डाक डिब्बा वो आपको रखा हुआ जरूर मिल जाएगा जी। अब आप अपने गांव से निकले और झट से आपने जो चिट्ठी पत्र लिखा है उसे उस डाक बॉक्स में डाक डिब्बे में डाल, डाल दिया।, दिया अब सिर्फ ये पहाड़ों का नहीं जो कुछ जंगली जनजातियां हमारे गांव में रहती हैं दूर दराज शहरों में रहती है जैसे कुछ हिस्सा है छत्तीसगढ़ का जी जहां पे आपको जंगल देखने के लिए मिलते हैं तो वहां पे कुछ ऐसी प्रजातियां भी रहती हैं जो दूर दराज और अंदर रहती है तो कोशिश की जाती है कि कम से कम वहां पर अगर आप कोई और सेवा नहीं दे सकते तो आप डाक की सेवा तो वहां पर दे सकते हैं इसके लिए वह डाक बॉक्स वहां पर रख देते हैं जहां पर एक डाकिया आता है वहां से उन डाक को रिसीव करता है लेता है और ले के अपने पोस्ट ऑफिस में जमा कर देता, देता है।, है।, है और इस प्रकार वहां पे वह पिन कोड के हिसाब से अलग हो जाती हैं और फिर वह जहां जहां भेजनी होती है वहां चले जाती है तो ये केवल शहरों तक सीमित नहीं है छोटे चुट छोटे गाँव तक ये सीमित गाँव तक ये सेवा चलती है इसलिए ये हमारे देश में बहुत ही बड़े स्तर पर होने वाली एक सेवा है अगला प्रश्न है आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा मुझे अपनी नौकरी में बहुत नौकरी बहुत अच्छी लगती है जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मॉनिटर लेकर उसे घर पहुंचता हूं, तो उसके बूढ़े माँ बाप खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है ऐसे जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुँचाता हूं जिसमें कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है तो लोग बहुत खुश होते हैं बूढ़े दादा बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर ही बहुत खुश हो जाते हैं छह महीने तक वे इसके लिए मेरा इंतजार करते हैं हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर छ महीने बाद इकट्ठी ही दी जाती है अब देखिए जहाँ इकट्ठी पेंशन दी जा रही है वहाँ तो इंतजार होगा ही बेसब्री से इंतजार किया जाता होगा जी जी अब जैसा कि इस समय बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और मैं एक अंतिम प्रश्न पर मैं आता हूं और बात करता हूं यहां इन्होंने अंतिम प्रश्न जो पूछा है प्रतिमा शर्मा ने वो कहती है आप पहाड़ी इलाके में रहते ज़ाहिर डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा तो वो बताते हैं कि भाई मैं रिकांग पीओ में नौकरी करता था एक किन्नौर ज़िले में एक मुख्यालय है और वहाँ पर मुझे छब्बीस किलोमीटर रोज़ चलना पड़ता था अभी मैंने आपको बताया कि सात किलोमीटर में एक आम आदमी की क्या हालत हो जाती है इन्हें छब्बीस छब्बीस किलोमीटर तक आगे चलना पड़ता है लेकिन फिर भी ये इनकी आदत में शुमार हो जाता है एक समय की ये चर्चा भी करते हैं कि काम के दौरान एक बार ये डाकघर में ही थे वहाँ कुछ लोगों ने इनका दरवाज़ा खटखटाया है डाकघर का और अचानक से उस डाक घर में घुस गए क्योंकि डाकघर में मनी ऑर्डर वगैरह भी होते हैं जी उन लोगों ने इनके ऊपर हमला कर दिया लाइट बंद कर दी और इनके सर पर किसी चीज से जोर से वार किया इसमें इस बात की चर्चा आपको मिलती है ऐसे में जब ये चिल्लाए तो आसपास के लोग और इनका सत्रह साल का जो बेटा था वह भागकर आया उन्होंने शीशे दरवाजे तोड़े डाक घर के और इनको निकाला अगले दिन जब इनकी आंख खुली तो ये एक अस्पताल में एडमिट थे इनके सर पर काफी टाके आए जी ऐसे में आप देखिए कि एक व्यक्ति चिल्लाता है चोट खाता है सिर्फ इसलिए कि उस डाक घर के मनी ऑर्डर को, को कोई ना छेड़ पाए उन चिट्ठियों को कोई ना छेड़ पाए वह जो लोग चोरी के इरादे से आए हैं वह उन्हें भगाता है और ऐसे में वह एक हीरो की तरह वहां पर नजर आता है काम भी।

आज के इंटरनेट के युग में व्हाट्सअप फेसबुक ईमेल इत्यादि ने ले लिया है लेकिन फिर भी डाकियों का जो महत्व है वो कभी भी कम नहीं हो सकता बिल्कुल कम नहीं हो सकता और हमारे आपके सभी से के जीवन से जुड़े हुए हैं डाकि आपसे एक सवाल यहाँ करना चाहूँगी अंतिम कुछ ही मिनट बचे हैं आज के सत्र के लिए लेखन शैली की अगर मैं बात करूँ इस पाठ में जो हमने देखी एक साक्षात्कार इंटरव्यू के फॉर्म में देखा तो क्या हमारे पांचवी कक्षा के बच्चे ये भी आज इस पाठ से सबक ले सकते हैं कि किस तरीके से वो किसी का साक्षात्कार ले सकते हैं छुट्टियों का समय है घर में भी किसी का लिया जा सकता है क्या कहेंगे इस बारे? ये एक एक्टिविटी ये आपने बहुत अच्छी गतिविधि बताई है ये गतिविधि हो सकती है बच्चों के लिए कि आप अपने कुछ दोस्तों का भी इंटरव्यू ले सकते हैं साक्षात्कार ले सकते हैं अपने पेरेंट्स का साक्षात्कार ले सकते हैं या आपके घर में अगर दादा दादी हैं नाना नानी हैं आप नाना नानी के घर में छुट्टियों में गए भी होंगे वहां जाके उनका साक्षात्कार ले सकते हैं उनसे प्रश्न कर सकते हैं उन प्रश्नों को लिख सकते हैं तो ये तो आपकी एक अच्छी गतिविधि हो जाएगी इसके जरिए आप जानेंगे समझेंगे और जानेंगे कि नाना नानी के दादा दादी के जीवन में आ, क्या क्या शामिल रहा उन्होंने कैसा जीवन जिया है उससे आप सीखेंगे और कुछ नया अनुभव करेंगे तो आप कोशिश कीजिए कि पांच प्रश्न बनाइए कि ये प्रश्न मैं अपने दादा दादी से या नाना नानी से पूछूंगा और उन्हें आप अपनी कॉपी में लिखिए तो आप जानेंगे कि उनका जीवन किस प्रकार का रहा और आपके और उनके जीवन में अंतर क्या है और मुझे लगता है ये करके बच्चों में बहुत सा संयम आएगा डॉक्टर अमित क्योंकि आजकल हम डिजिटल एरा में हैं संयम नाम की हमारे अंदर कोई जैसा हमें भाव नहीं लगता है व्हाट्सएप अगर हम भेजे ईमेल भेजे वो तुरंत पहुंचता है जब हम एक सवाल किसी से करेंगे और उसका उत्तर लेने के लिए बैठेंगे हम लिखेंगे उसको तो एक प्रकार का संयम भी मुझे लगता है बच्चों में जरूर आएगा संयम तो मैम सिर्फ बच्चों में नहीं आज के बड़ों में भी नहीं अगर आप मुझसे एक सवाल पूछते हैं और उस सवाल को मैं नहीं जानता हूं, ये स्टूडियो के बाहर की बात है तो मैं झट से फोन निकालता हूं मैं बिल्कुल अपने बिल्कुल। दिमाग पर प्रेशर नहीं डालना चाहता हो सकता है उसके बारे में मुझे जानकारी हो लेकिन वो मेरे कहीं अंतरमन में छुपा हो लेकिन मैं इतना प्रयास बिल्कुल नहीं करूंगा कि उसे अंतरमन से निकालूं और आप तक पहुंचाऊं मैं फटाफट से कोशिश करूंगा कि गूगल खोला जाए और उसका आंसर देख लिया जाए तो संयम की कमी तो सभी में है, सभी में हो चुकी है और इस पर काबू करने की आवश्यकता सभी को है बिल्कुल सभी को है और आज एक बहुत अच्छी एक्टिविटी दी गई है साक्षात कार्य करने की आपके लिए स्वयं आपको घर में करना है और छुट्टियों का समय है जरूर इसको अपने परिवार में शामिल करें साक्षात करें अपने किसी दोस्त का अपने परिवारजन का डॉक्टर अमित बहुत शानदार सत्र था बहुत सी चर्चा हमने की और बहुत सी संवेदना भरी बातें आज निकल कर आई कि एक डाकिया का जीवन कैसा होता है समय के भाव में थोड़ा चीजें रह भी गई हैं काफी चर्चा हो सकती थी लेकिन हम फिर आपसे चर्चा जी... करेंगे पर आज की चर्चा भी बहुत मुझे लगता है लाभदायक है हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए और आज स्टूडियो तक आप आने के लिए अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार और दर्शकों आप कहीं ना जाएं सी आई टी एनसीआर मेटेरियल के साथ बने रहें एनसीआर uh, टी का शैक्षिक सत्र 2023-24 शुरू हो चुका है और अगर आप किताबें लेना चाहते हैं अवेल करना चाहते हैं तो एनसीआर टी के पब्लिकेशन डिवीजन जो नई दिल्ली में स्थित है अहमदाबाद गुवाहाटी कोलकाता बेंगलुरु में भी ये सभी किताबें आपके लिए सुबह नौ बज के तीस मिनट से शाम के छः बजे तक सभी गजटेड हॉलीडेज़ पर शनिवार रविवार भी ये सभी किताबें आप ले सकते हैं वहाँ से और आप इन, अगर इन किताबों का ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो एन की वेबसाइट पर जाएं आपको ये सभी किताबें मिलेंगी बिना किसी डिलीवरी चार्ज के अगर पी वर्जन आप इन किताबों का पढ़ना चाहते हैं ई पाठशाला दीक्षा और एन की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर एन की वेबसाइट पर भी इन सभी किताबों का पी वर्जन अवेलेबल है आप वहां से लेकर पढ़ सकते हैं अगले सत्र में कक्षा पांचवी के लिए ही उर्दू के एक सबक पर बात की जाएगी कहीं ना जाएं बने रहें पी एम ई विद्या के साथ अभी के लिए आपसे विदा चाहूंगी नमस्कार